सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आईफोन एसी 2020 के बारे में। ये स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, इंडिया में भी ये स्मार्टफोन आ चुका है, इंडियन प्राइसिंग भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है 42,500 रुपीज़। और अब इस स्मार्टफोन का जो टीजर है ये फ्लिपकार्ट में आना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप लोग आईफोन एसी 2020 बाय करने का सोच रहे थे तो शायद आप लोग बहुत ही जल्द इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट में यहाँ पर टीजर डाल दिया है। और जो एरिया अभी तो आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, तो जो एरिया ऑरेंज और ग्रीन जोन में है वहाँ पर इस सर्विस से यहाँ पर मिलेगा। और उस एरिया के अगर आप लोग हैं तो वहाँ पर आप लोगों को आईफोन एसी वहाँ से आप लोग बाय कर सकते हैं। तो आईफोन एसी का जो लॉन्च डेट है वो आ चुका है, लगभग मेरे ख्याल से आज तो संडे है या फिर मंडे, तो आप लोगों को इसी हफ्ते ये स्मार्टफोन लॉन्च होते हुए दिख जाएगा। और आप लोग फ्लिपकार्ट से जाके, अगर आप लोग ऑरेंज और ग्रीन जोन में हैं तो आप लोग फ्लिपकार्ट में जाके आईफोन एसी 2020 फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। तो क्या आप लोगों को आईफोन एसी 2020 2020 में बाय करना चाहिए? इस स्मार्टफोन के साथ ना मेरा मतलब मिक्स फीलिंग है। कभी लगता है कि नहीं भाई नहीं बाय करना चाहिए, कभी लगता है कि क्यों नहीं, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। क्योंकि इस फोन का जो चिपसेट है A13 बायोनिक चिप इतना ज़्यादा पावरफुल है, अगर आप लोग इस फ़ोन को आज बाय करेंगे तो मे बी आप इस स्मार्टफोन को अगले 5 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हेविली यूज करने के बाद। इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है, मुझे डिस्प्ले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काफ़ी बड़े बेजल से कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को 1800 mAh की बैटरी मिलता है, जो कि मुझे थोड़ा कम लगा। एटलीस्ट 2500 या फिर जितना आईफोन XR में है अगर उतना देते तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता था। ये सेम बैटरी आप लोगों को आईफोन के 8 में देखने को मिलता है, तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि चिपसेट तो काफ़ी अच्छा है लेकिन बैटरी यहाँ पर कम है। इस फ़ोन का कैमरा आप मानोगे नहीं, 40,000 के प्राइस कैटेगरी में आई थिंक ये सबसे अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन हो सकता है, चाहे वो वीडियोस हो, फोटोज़ हो। तो अगर आप लोग वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा चॉइस ये बन सकता है। अब मैं इसी प्राइस कैटेगरी में मैं आप लोगों को बताऊंगा, वन प्लस का 8 है और अभी कुछ दिन पहले Xiaomi ने अपना Mi 10 लॉन्च किया है, Mi 10 5G, जो कि स्टार्टिंग प्राइस लगभग 50,000 रुपीज़ है। 50,000 में Xiaomi का स्मार्टफोन लो, उससे अच्छा तो मैं बोलूँगा कि आप लोग 42,500 रुपीज़ में आईफोन का एसी 2020 बाय करो, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। Xiaomi का स्मार्टफोन, फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन मुझे वो दम नहीं लगता जो उनके मिड रेंज स्मार्टफोन में है, ऑनेस्टली बोलो तो, क्योंकि फ्लेक्सिब स्मार्टफोन एक अलग स्मार्टफोन बन जाता है। वहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ मिलते हैं जो कि आपको फ्लेक्सिब में मिलना चाहिए। सैमसंग का जो S20 सीरीज है ये अभी लेटेस्ट एंड्रॉयड फ्लेक्सिब है, और अभी वन प्लस का आया है, ये सब फ्लेक्सिब है, इनको आप फ्लेक्सिब किलर बोल सकते हैं। तो 50,000 रुपीज़ ना दे के Mi 10 5G में आप लोग आईफोन एसी 2020 बाय कीजिए। मेरे ख्याल से आईफोन एसी 2020 जो है ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। इसे आप लोग बोल सकते हैं कि जो आईफोन एसी का जो बैटरी है 1821 mAh, ये एंड्रॉयड का लगभग 25 से 3000 mAh के बराबर है, क्योंकि A13 बायोनिक चिप इतना एफिशिएंट है। अगर आप एक कैजुअल यूजर है, आपको डे टू डे यूजर्स में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। कैमरा फर्स्ट क्लास है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से आईफोन एसी 2020 2020 में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला स्मार्टफोन यहाँ पर बन सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड। क्योंकि ये स्मार्टफोन में जो एप्पल ने यहाँ पर काम किया है, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को ये स्मार्टफोन पसंद आएगा। हालांकि जो स्क्रीन है वो 4.7 इंचेस का है, 2020 में सोच सकते हैं 4.7 इंचेस का, लेकिन हाईएस्ट अगर आप लोग बड़े स्मार्टफोन से पकड़ लीजिए, आपका स्मार्टफोन 6 इंच का है, तो अगर हाईएस्ट बोलो तो एक हफ्ते के अंदर आप लोग यूज्ड हो जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर डेली आप उसको यूज़ करेंगे तो आदत बन जाता है। आई थिंक आप लोगों को आईफोन एसी बाय कर लेना चाहिए, और इसका जो है वो फ्लिपकार्ट में आ चुका है लैंडिंग पेज, उसके बाद आप लोग जब भी डेट आ जाएगा आप लोग वहाँ से बाय कर सकते हैं। और ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में, रेड जोन का अभी तक नहीं पता, तो रेड जोन के बारे में अगर पता चलता है तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।